अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्किन वाइटिंग के लिए एक होममेड क्रीम बनाना बताऊंगी, जिसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो चमकने लग जाएगी, इतने अच्छे रिजल्ट हैं। आप एक बार उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी स्किन पर जितना भी सन टैन है वो रिमूव हो जाएगा, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, छाइयाँ हैं, फ्रैकल जैसे हमारी स्किन पर बन जाती हैं वो फ्रैकल ख़त्म हो जाएंगी, डार्क स्पॉट्स हैं, इवन टोन स्किन है, जितने भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी इस एक होममेड क्रीम से रिमूव हो जाएंगे। के लिए सिर्फ आपको दो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो कि आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ एक बॉल है। इस तरह आपने कोई खाली अच्छा सा साफ सुथरा बॉल ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है, जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो फेरा लवली। यहाँ पे मेरे पास यहाँ इस तरह फेरा लवली का जार है। आपके पास जार हो, ट्यूब हो, अगर आपके पास साशे हो तो आप साशे ले लें, अगर साशे नहीं है तो आप इजीली आसानी से साथ शॉप से भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाती है। और आप सब जानते हैं कि हम फेरा लवली को बहुत यूज़ करते हैं, ये एक डे क्रीम है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। टीनेजर हो, ऑयली स्किन वाले हो, ड्राई स्किन वाले हो, सारे इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और वैसे अच्छा है। यहाँ सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगी, ओपन करने के बाद मैं इसमें एक चम्मच भर के ऐड कर लूँगी। इस तरह आप लोगों ने एक चम्मच इस तरह फेरा लवली क्रीम ऐड कर लेनी है। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो हमने लेना है लेमन। आपने इस तरह हाफ लेमन ले लेना है और उसके बीज निकाल लेने हैं आपने। निकालने के बाद इस तरह आपने हाफ लेमन निचोड़ के इसमें ऐड कर लेना है। आपने इसका पल्प भी ऐड करना है। इस आपने हाथ की मदद से इसे इस तरह ना अच्छे से ऐड कर। आपको पता है कि लेमन में विटामिन सी होता है भारी मिकदार में, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे से ऐड करने के बाद नेक्स्ट इस तरह आपने इसे जल्दी से अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें ना, लेमन ऐड करने के पास ना इस तरह थोड़ी सी क्रीम फट जाएगी। आपने घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपने बस जस्ट इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है अच्छे से। इस तरह की क्रीम तैयार हो जाएगी। करने के बाद मैं अब आपको इसे यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है अच्छे से। कोई भी रेमेडी यूज़ करें, आपने अपनी स्किन को पहले अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने इस तरह ले के इस क्रीम को इस तरह अच्छे से 2-3 मिनट तक ना अपने स्किन पर मसाज करना है आप लोगों ने अच्छे से। इतनी अच्छी ये क्रीम है ना, बहुत अच्छी क्रीम है। मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। पता है कि आजकल समर चल रहा है तो हमारी स्किन कोई भी क्रीम लगाने को दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं क्रीम्स वगैरह। तो इस तरह आप ये क्रीम बना के यूज़ कर सकती हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आपकी स्किन पर लेमन सूट नहीं करता, बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आपने ज़्यादा लेमन ऐड नहीं करना। आपने 1 से 2 ड्रॉप ऐड करनी है इस क्रीम में और फिर आप यूज़ कर लें। ये देखें आपकी इस तरह ये जब तक क्रीम होने लग जाएगी, इस तरह आपने वॉश नहीं करना इसे। आप इसे हैंड और फीट पर भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड और फीट पर तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि ये जो आपके नकल्स है ना, ये बिल्कुल जो इनकी डार्कनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस क्रीम से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।